हेलो दोस्तों, जैसा कि 69,000 भर्ती की तीसरी काउंसलिंग होने वाली है और उसकी डेट भी आ चुकी है, ठीक है। तो आज उसमें जो ज़रूरी है, जिन लोगों का हुआ है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, जिनका भी नाम है, ठीक है। आज उसमें जो भी डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं हम उसमें बताने वाले हैं, ठीक है। आइए देखते हैं ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो उसमें मांगे जाएंगे और आपको वहाँ पर लेकर जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोगों ने भरा था वो चाहिए होगा, उसको भर दिया गया है। उसके बाद 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। आपको क्या चाहिए होगा, 10th की मार्कशीट चाहिए होगी और सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद में 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ग्रेजुएशन की मार्कशीट एंड डिग्री चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद में 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट चाहिए, इसको लगा देना है। उसके बाद में आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री लगा देना है। उसके 10th की ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए और उसके साथ में डिग्री, इनकी जीरोक्स चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको बीएड या बीटीसी, आप लोगों ने जो भी किया है, ठीक है, बीएड और बीटीसी जो कुछ भी किया है आपने, उसकी क्या चाहिए, मार्कशीट चाहिए, उसकी सर्टिफिकेट चाहिए। ध्यान रखना, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों चाहिए होगा। उसके बाद में आते हैं हम ईपीटेट एंड सीटेट मार्कशीट। ईपीटेट की और सीटेट की हमें क्या चाहिए, मार्कशीट चाहिए। फिर क्या चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट। अब ये मेडिकल सर्टिफिकेट की कब ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, आफ्टर ज्वाइनिंग लेटर। जब आपको क्या मिल जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, तब आपको ये चीज़ जमा करनी है। क्या जमा करना है, मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, ये याद रखना है ध्यान से। उसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपको क्या चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए जो आपका होगा, और जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आईडी प्रूफ के रूप में, आईडी आपने जो भी फॉर्म में लगाई थी, जो कोई भी आईडी आपने लगाई थी फॉर्म में, चाहे आपने पैन कार्ड लगाया था, आधार कार्ड लगाया था, ठीक है, या फिर वोटर आईडी कार्ड लगाया था, जो कुछ भी आपने उस टाइम फॉर्म भरते हुए समय लगाया था, वही आपको इस समय भी चाहिए आईडी प्रूफ के रूप में, ठीक है। आईडी प्रूफ के रूप में आपको बैंक ड्राफ्ट चाहिए। बैंक ड्राफ्ट में आपको क्या चाहिए, जनरल ओबीसी 500 रुपये का, जनरल ओबीसी 500 रुपये का चाहिए, और एससी एसटी के लिए 200 रुपये का बैंक ड्राफ्ट चाहिए होगा, ठीक है। फिर आपको चाहिए पासपोर्ट साइज के 10 फ़ोटो। कितने फ़ोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज के 10 फ़ोटो मिनिमम, क्योंकि एक ही साइज के, एक ही तरीके के फ़ोटो उसमें यूज़ होते हैं, आप दूसरे तरीके के फ़ोटो यूज़ ना करें, ठीक है, एक ही तरीके के फ़ोटो के। उसके कितने बनेंगे, सारे डॉक्यूमेंट के एक ओरिजिनल फाइल बनेगी, दूसरी क्या बनेगी आपकी, दो सेट बनेंगे उसके। कितने बनेंगे, दो सेट बनेंगे फ़ोटो कॉपी के, एक ओरिजिनल कॉपी बनेगी, ओरिजिनल कॉपी के डॉक्यूमेंट की सारी फाइल बनेगी, और दो सेट कॉपी बनेंगी उसकी, ठीक है। एक बनेगा करेक्टर सर्टिफिकेट, क्या बनेगा उसका, करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए लेकर आपको क्या करना होगा, गजिस्टर्ड ऑफिसर से साइन कराने होंगे। किसे कराने होंगे, गजिस्टर्ड ऑफिसर से साइन कराने होंगे। गजिस्टर्ड ऑफिसर में नोटरी पब्लिक भी आता है, ठीक है, एसडीएम एसटी और तहसीलदार कानून को, ये सारे ऑफिसर्स आते हैं, कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर जो गवर्नमेंट हो, ठीक है, प्रिंसिपल सरकारी स्कूल का टीचर जो हाई स्कूल और इंटर को प्रिंसिपल हो, उसके वो भी गजिस्टर्ड ऑफिसर होता है, टीचर नहीं प्रिंसिपल बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, इस चीज़ का भी विशेषकर ख्याल रखना है आपको। करेक्टर सर्टिफिकेट, जैसे कि मैं बता रहा था, इन सब का सेट, दो सेट बनेंगे, दो सेट के बाद में आपको एक ओरिजिनल सेट बनाना होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का। तीन फाइल बनेंगे, 1, 2 और 3, ये हो गई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, किसकी हो गई, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, डॉक्यूमेंट, ठीक है। बाकी इसके दो क्या होंगे, इसके सेट होंगे, डॉक्यूमेंट सारे आपके यही ही होंगे, ठीक है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ोटो स्टेट करानी है, दो, ठीक है, एक ओरिजिनल रहेगी, 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट चाहिए, 12th मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड डिग्री, बी एड मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ई पी टेट सी टेट आपने जो भी पास कर रखा है वो चाहिए। अगर किसी बच्चे के इसमें भी दिक्कत है, कोई बच्चा पहले पास हो चुका था, उसके कम नंबर थे या ज़्यादा थे, ठीक है, उसके बाद में उसके ज़्यादा नंबर आ गए, ठीक है, जैसे कि कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि ई पी टेट का एग्ज़ाम पहले हुआ, तो जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद में तुरंत भर्ती आ गई थी 69,000,
उसके बाद 69,000 भर्ती में उन्होंने पुराना वाला अपना सर्टिफिकेट लगा दिया। उसमें क्या हुआ कि कुछ मार्क्स उनमें बढ़कर आने थे, कितने आने थे बढ़कर आने थे, जैसे कि 5 या 4 जो भी नंबर थे वो बढ़कर आने थे, तो उन बच्चों के बढ़कर आए। उसके बाद में उसके उनके पास दूसरी मार्कशीट हो गई, तो उनकी जो लगी हुई थी और जो चेंज होकर आई, तो उसके लिए अगर ऐसा है किसी बच्चे के लिए तो उसके लिए एक शपथ पत्र लगेगा 10 रुपये का, उस पर अंक लिखे गए आएंगे कि पहले इतने थे फिर उसके बाद में इतने हो गए, ठीक है, उस पर परेशान होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप पूरे कर लीजिए और अपनी फाइलों में लगा लीजिए, ठीक है, अपनी काउंसलिंग में जाइए, ठीक है, मिलते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा कमेंट में ज़रूर, और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए जिनका भी हुआ है, ठीक है, थैंक यू।